सो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कि क्या यस बैंक से न्यूज़ निकल के आ रही है और क्यों ये जो इसका स्टॉक प्राइस है वो इस प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होते हमको दिख रहे हैं, क्यों ये ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, रोज 0.38% का ही अप डाउन हो रहा है, तो क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है। आगे बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपका यस बैंक में शेयर है तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स शेयर की जाएगी जो आपको एनालिसिस करने में हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड वेलकम यू टू टेक्निकल बुल चैनल और आज मैं आपका होस्ट बात करने वाला हूँ यस बैंक से रिलेटेड न्यूज़ के बारे में कि यस बैंक में इस समय क्या न्यूज़ निकल के आ रही है और इसका आने वाला टारगेट रेजिस्टेंस और इसका फ्यूचर क्या होगा, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। और क्या न्यूज़ निकल के आ रही है, क्या इस न्यूज़ से यस बैंक में के शेयर प्राइस पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिल सकता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल यानी कि टेक्निकल बुल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और जो आपको बेल आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक करें ताकि आप हमेशा अप टू डेट रहे कि क्या चल रहा है यस बैंक रिलेटेड और अलग अलग स्टॉक्स रिलेटेड। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा 8K सब्सक्राइबर का एम है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या न्यूज़ निकल के आ रहा है। चलिए देखते हैं कि क्या न्यूज़ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं एच दिल प्रमोटर वाडवास चार्ज फॉर ₹200 करोड़ यस बैंक फ्रॉड। जो यस बैंक में आपको पता है कितने सारे फ्रॉड हुए जिसकी वजह से यस बैंक का रेपुटेशन इस वक्त बहुत ख़राब हुआ था। और आप ये देख सकते हैं, ये फ्रॉड भी बोल सकते हैं राणा कपूर के नहीं करवाया था। आप यहाँ देख सकते हैं सोर्सेस इन द एजेंसी सेट दैट द रोल ऑफ द फॉर्मर यस बैंक प्रमोटर राणा कपूर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक नॉट नेम्ड एज एक्यूजन एफआईआर इज लाइकली टू कम अंडर द स्कैनर इन द केस। इनका अभी नाम अभी तक आया नहीं लेकिन आ सकता है, क्योंकि यस बैंक के जो ये प्रमोटर थे राणा कपूर, आप सबको मालूम है कि इनका भी घर भी जब्त कर लिया और 2-3 केस आपको पता है। तो ये इस समय बहुत बहुत मतलब ऐसा लगता है कि यस बैंक बहुत ज़्यादा फ्रॉड करवा चुके हैं। तो अभी देखते हैं कि इनको कब तक इनसे पूछताछ कब तक होगी। तो चलिए न्यूज़ में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मेन न्यूज़ के बॉडी में आगे, वहाँ देखते क्या है। द CBI हैज़ ब्रोक द HDL प्रमोटर राकेश वाडवा एंड द सरंग वाडवान अलॉन्ग विद द फॉर्मर PMC बैंक चेयरमैन वराम सिंह एंड अदर डायरेक्टर ऑन द फर्म इन एलेज्ड 200 करोड़ लोन फ्रॉड इन यस बैंक इन्वॉल्विंग मैक स्टार कंपनी ऑफिशियल सेड फ्राइडे। तो आप देख सकते हैं कि इनको पकड़ लिया गया है, अभी ये पर्सन और इनको अभी पकड़ लिया गया है 200 करोड़ के चार्जेस में जो यस बैंक में इनने फ्रॉड किया था। और इसके बाद से ही वैसे ये शायद इंटरनल न्यूज़ पहले ही लीक हो गई थी, इसलिए यस जो एच दिल का आप देख सकते शेयर प्राइस है वो भी बहुत टाइम से गिर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एच दिल का शेयर प्राइस के साथ भी क्या हुआ। तो आप यहाँ देख सकते हैं एच दिल का शेयर प्राइस में बहुत बड़ी बहुत टाइम से अब गिरावट देखने मिल रही है। इसने लॉकडाउन जब लगा था उसके बाद से इसने आप देख सकते हैं 350% का रिटर्न दे दिया था, लेकिन जैसे ही लगता है इंटरनल न्यूज़ पहले सबको पता चल चुकी थी मार्केट में आने से पहले कि कुछ ऐसा होने वाला है, उसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम हुई और इसका शेयर भी गिरते हुए अब दिख रहा है। इसका शेयर बहुत तेज़ी से अब नीचे जा रहा है, इसके शेयर होल्डर थे वो भी अब टेंशन में आ गए कि एच डी अब वापस रिवाइव बैक कर पाएगा या नहीं। तो ऐसे धीरे धीरे जो भी यस बैंक में फॉल्टर किए हैं वो धीरे धीरे सामने पकड़े जा रहे हैं और यस बैंक का नाम फिर से ऊपर उठते हुए जा रहा है। यस बैंक धीरे धीरे वापस से अपना वो रेपुटेशन फिर से लेने की कोशिश कर रहा है। और वहीं आगे बात करें, इट इज़ एलिजेड द लोन फॉर मैक स्टार वर्स ट्रांसफर टू एच डी लाइबिलिटीज टू यस बैंक विदाउट इंटीमेटिंग इट्स मेजर स्टेक होल्डर एंड ओशियन डिले इन्वेस्टर एच दिल ओ दिल इज कॉन्स्पिरेसी ऑक्सकर्ड इन द एच दिल प्रमोटर डायरेक्टरी एंड ऑडिटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं इनके ऊपर ये इंजाम लग रहा है। अब वहीं आगे बात करें, सोर्स इन द रोल सेट दैट द फॉर्मर यस बैंक प्रमोटर राणा कपूर एंड अदर सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द बैंक, आप यहाँ देख सकते हैं सोर्सेस से ही अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, नॉट नेम्ड एज अक्यूज्ड इन FIR इज़ लाइकली टू कम अंडर स्कैनर इन द केस। वो अभी तक आए नहीं लेकिन बहुत जल्द आ भी सकते हैं, क्योंकि राणा कपूर आपको पता है कितने सारे चीज़ें की हैं और यस बैंक के तो प्रमोटर थे, उनसे इतना बड़ा डील कैसे छूट सकता है। तो उनने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा, अब देखते हैं कि वो क्या रहेगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन इन द केस CBI ऑन फ्राइडे सर्च द रेसिडेंस ऑफ राकेश वर्धन एंड हिज सन सरंग एंड फॉर्मर PMC चेयरमैन इन मुंबई। दे सेड द एजेंसी हैज़ कैरिड आउट द रिसर्च एट 9 अदर प्रीमाइसेस इन मुंबई इंक्लूडिंग 2 ऑफिस ऑफ HDL ऑडिटर कंपनी अशोक जैस एंड HDL डायरेक्टर लक्ष्य दयाल सिंह
अमनप्रीत सिंह एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट वेंकटवर्धन एंड तब देख सकते हैं इन सब का एक्यूज है फायर FIR में नेम। तो आप देख सकते हैं कि एच दिल का जो केस है वो भी सामने अभी पिछले कुछ, अगर आप हमारे चैनल को बहुत टाइम से फॉलो करते हैं तो हम आपको हमेशा अप टू डेट देते रहते हैं कि यस बैंक में क्या हो रहा है। शायद हमसे शायद कोई डिटेल मिस हुई। अगर आपको यस बैंक का सारे डिटेल नहीं मालूम तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो यस बैंक के देख सकते हैं। हमने हर वीडियो में बताया कि कितने सारे यस बैंक ने अभी तक अच्छे स्टेप उठाए हैं। यस बैंक इतने सारे पॉजिटिव स्टेप उठाए जा रहा आप सोच नहीं पा रहे कितने सारे। कोई भी बैंक आप उठा के देख लीजिए, इतने सारे इतने जल्दी चीज़ें नहीं कर रहा है। यस बैंक अभी बहुत तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन वहीं अगर यस बैंक का हम लोग ये प्राइस देखे, यस बैंक का शेयर प्राइस, वो क्यों तेज़ी से भाग नहीं पा रहा। सबके मन में यही डाउट है, यस बैंक में कितने सारे ऑपरेशन फटाफट हो रहे लेकिन उसके शेयर प्राइस पे हमको कुछ इतना इफेक्ट देखने नहीं मिल रहा। आप अगर बहुत टाइम से यस बैंक में इन्वेस्ट करके रखे होंगे तो आप ऐसा ही रोज सिनेरियो देख रहे होंगे कि कभी इसमें ट्रेडर ज़्यादा हो जाते हैं, कभी इन्वेस्टर ज़्यादा हो जाते हैं। पता नहीं इधर क्या चल रहा है, इधर यस बैंक में ऊपर नीचे हो रहा है। तो आज उसके ऊपर डिटेल में बात करें कि यस बैंक में ऐसा क्यों हो रहा है और आगे देखते हैं कि आज का इसका कैसा रहा सेशन। अभी तक रुके तो इसका मतलब कि आप स्टॉक मार्केट से मोटा पैसा कमाना चाहते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तभी स्टॉक मार्केट नीचे चले जाता है, हमारा पैसा डूबता है। वहीं हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, वो और कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करते वो ऊपर जाते। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा दो तीन कारण की वजह से होता है। हम वो दो तीन कारण आपसे रिमूव कर देंगे आपके दिमाग से ही, तो उसके लिए आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। और बुक जो है हम लोग ने आपके लिए इतना ईजी कर दिया कि उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ला के रखा है। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में जाना है और वो बुक चेकआउट करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, बुक चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता चले, और वो बुक पढ़ने के बाद आप भी स्टॉक मार्केट से बहुत मोटा पैसा कमाएंगे। और अगर आप बोल रहे कि आपने खरीदा है नहीं, तो हम आपको वीडियो भी दिखा देंगे कि हमने खरीदा है और हमने खुद वो बुक पूरा एंड तक पढ़ा। बुक एंड तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा दिखेगा और आपकी लाइफ में जो टेंशन है वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देता है बुक। तो जाके बुक वो डिस्क्रिप्शन जाके चेक कीजिए। बुक डिस्क्रिप्शन में हमने आपके लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाल दिया, जाके बुक चेक कीजिए। और तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हो सकता है जब मार्केट और आगे फॉरवर्ड मूव करे तब हो सकता है आपको परसेंटेज और कम आते दिख सकता है। तो अभी देखते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका सबसे पहला रीज़न है डरे हुए वीक जो इसमें इन्वेस्टर, जो डरे हुए इन्वेस्टर है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो इस वक्त डरे हुए ऊपर नीचे कर रहे हैं, जिनके मन में शंका है कि यस बैंक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उनकी वजह से इनकी प्राइस बहुत ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो रही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके यस बैंक में है तो आप होल्ड करके रख सकते हैं। अगर आप यस बैंक को होल्ड नहीं करेंगे तो ऐसे ही प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहेगा और इसी कंसोलिडेटेड प्राइस में ये रेंज करते रहेगा, इसी प्राइस में घूमते रहेगा बहुत टाइम तक। इसलिए अगर आप होल्ड नहीं करके रख सकते हैं तो आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप यहाँ से धीरे धीरे प्रॉफिट निकालने का बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन इतना ज़्यादा यहाँ प्रॉफिट दिख नहीं रहा है। तो जो इस समय रिटेल इन्वेस्टर है उनसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप खुद चाहते हैं कि यस बैंक ऊपर जाए तो आपको होल्ड करना पड़ेगा। अगर आप होल्ड नहीं करोगे तो जो आपको दिख रहा है ये ऐसे फ्लक्चुएट होता रहेगा और इसी प्राइस रेंज में कंसोलिडेट होते रहेगा, ना ऊपर जाने दोगे आप लोग ना नीचे जाने दोगे, इसलिए आप होल्ड करो। और वहीं अगर मैं इसकी बात करूँ टारगेट रेजिस्टेंस के बारे में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका पहला, जैसे कि आप बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया इसका पहला सपोर्ट ये लेवल हो सकता है जिसको बहुत बार एक बार अभी तक ब्रेक नहीं किया है और ये बहुत स्ट्रांग हो सकता है। दूसरा वहीं अगर सपोर्ट की बात करें तो ये वाला लेवल हो सकता है। तीसरे सपोर्ट तो इतना नीचे जाएगा नहीं लेकिन तो अगर आपको चाहिए तो बता सकते हो कि ये भी इसका एक सपोर्ट है। और वहीं रेजिस्टेंस की बात करो तो ये पॉइंट इसका बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस दिखा रहा है क्योंकि इस प्राइस पे ये एक बार भी नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत टाइम से इधर कंसोलिडेट कर रहा है। और वहीं अगर दूसरे प्राइस की बात करो तो इस प्राइस में बात करो यस बैंक में हमको एक ब्लॉक डील देखने मिलता है। यस बैंक में आज NSE पे आप देख सकते हो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी आज उठाई गई है और वो प्राइस 13.20 पे उठाई गई है, इतनी ज़्यादा वैल्यू। और इसको अगर हम लोग करेंसी में कहें तो 1.3 करोड़ के आसपास आज वैल्यू उठाई गई है 9:16 पर। आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था आप देख सकते हो अक्टूबर 12 का है, आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ था उसी टाइम ये उठाया गया था ब्लॉक डील आज हमको यहाँ देखने मिला। तो अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर अब यहाँ अट्रैक्ट होते हमको दिख रहे हैं और धीरे धीरे अब हो सकता है यस बैंक ऊपर जाएगा। अगर आप बहुत टाइम से यस बैंक को फॉलो कर रहे हैं तो यस बैंक बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप दिखा रहा है, तो ऐसा लग रहा है धीरे धीरे अब इन्वेस्टर भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि ब्लॉक डील अब होते हमको यहाँ दिख रहे हैं
तो जब बहुत सारे ब्लॉक डील होंगे तो धीरे धीरे वैल्यू अप जाने ही वाला है, तो इसमें आपको बहुत जल्द एक उछाल मिल सकती है। तो जिनको अगर फ्रेश एंट्री लेना है वो ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपको मैंने बताया था वहाँ पे स्टॉप लॉस बरकरार रख के चलना, कि अगर उससे नीचे गई तो इसके पास कोई ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं, और नीचे तो दिख सकता है कितना दिन जाएगा नहीं। तो अभी ये वैल्यू तो बहुत ऊपर जाने वाली है, यस बैंक में जितना बुरा होना था सब बुरा हो चुका है। अब आपको बहुत टाइम से पॉजिटिव न्यूज़ ही देखने मिल रही है, अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आए हैं तब तो बहुत आपके लिए अच्छा हो जाएगा। यस बैंक बहुत ज़्यादा ऊपर जाते दिख सकता है। अगर हम लोग बात करें कि इसको 2 महीने में इसका कहाँ तक पहुँचाएगा, 2 महीने में ये 26 के लेवल पर पहुँच सकता है, लेकिन एक बार 18 का जब आएगा उसके ऊपर डिसाइड होगा, क्योंकि 18 पर बहुत सारा चीज़ें डिपेंड करता है। वो लेवल इसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाता आपको दिख सकता है बहुत ही कम टाइम में। तो अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद है तो वीडियो को अभी तक लाइक क्यों नहीं किया, और आपको शायद पता नहीं, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो तो जो यस बैंक के डरे हुए इन्वेस्टर है उनको लगता है कि आप वीडियो को लाइक कर रहे हो, मतलब यस बैंक को होल्ड कर रहे हो। तो वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आप यस बैंक को इस वक्त होल्ड कर रहे हो, तो वीडियो को लाइक करो ताकि जो डरे हुए इन्वेस्टर है उनको पता चले कि हाँ अभी हमको रुक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको होल्ड करके बैठ रहे हैं। और आपको कोई डाउट है तो कमेंट में बताइए, क्योंकि हम आपको थाउजेंड्स ऑफ व्यूवर्स देख रहे हैं और आपके डाउट को रिमूव करने के लिए उन लोग तैयार है। तो कोई कमेंट, कोई डाउट है तो हमको कमेंट्स में बता सकते हैं, हमारे जो ऑनर व्यूवर्स है वो आपको उसका जवाब दे ही देंगे। तो अगर आपको हमारी छोटी सी मेहनत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, जो चैनल दिख रहा है टेक्निकल वो इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, फटाफट से सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ, जो बेल आइकन दिख रहा है उसको भी क्लिक करो ताकि आप अप टू डेट रहो। हमारा एम है 8K सब्सक्राइबर क्रॉस करने का फटाफट, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय, जय हिंद जय भारत।